फेसबुक फ्रेंड ने ब्लैकमेल कर नाबालिग छात्रा को हवस का शिकार बनाया है। यह घटना यशोधरा नगर थाने के तहत हुई है। पुलिस ने आरोपी अनिकेत हसराम खोपरा कड़े कामटी निवासी को गिरफ्तार किया है। 15 वर्षीय नाबालिग 10वीं की छात्रा है। उसकी 2 साल पहले फेसबुक पर अनिकेत से मित्रता हुई। अनिकेत ने उसे झांसे में लिया। वह नाबालिग से आपत्तिजनक चैटिंग करने लगा। बाद में यह चैटिंग माता पिता को दिखाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। उसकी आड़ में नाबालिग से जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा। 27 फरवरी की रात भी बदनाम करने की धमकी देकर अनिकेत नाबालिग के घर पर आया, उससे शारीरिक संबंध बनाए। एन वक्त पर नाबालिग की माँ आ गई। उसे देखकर अनिकेत फरार हो गया। नाबालिग ने अपनी माँ को प्रकरण बताया। इसके बाद यशोधरा थाने में रेप, धमकाने, ब्लैकमेल करने तथा पोक्सो का मामला दर्ज हुआ है। यशोधरा अंतर्गत कल एक FIR रजिस्टर हो गई है। उसमें जो आरोपी है 21 वर्षीय है, उसको अटक किया गया है। धारा 377 और पोस्को 4 से अफेंस रजिस्टर्ड है। आरोपी 2 दिन के पुलिस कोठड़ी में है। उसके आगे की जांच हमारे यहाँ की महिला API गोखरे मैडम ही कर रही है। दोनों की पहचान मोबाइल के जरिए से हो गई थी और उस तरह से उनसे मैत्री बढ़ गई थी और मैत्री का रूपांतर उसमें संबंध तक चला गया था। और उसके जो लड़की जो नाबालिग थी उनके घर वालों ने तकरार दी, उसके हिसाब से तकरार रजिस्टर करके तुरंत आरोपी को अटक किया गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।